भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक सोमवार को शुरू हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 3:15 पर पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके बैठक का शुभारंभ किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित सभी मंत्री व विधायक, भाजपा के सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश में मौजूदा सभी विधानसभा क्षेत्रों से प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही प्रदेश सरकार की 100 दिनों का लेखा जोखा भी पटल पर रखा जाएगा। यही नहीं, इस बैठक में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पूर्व आनन फानन में खोले गए सरकारी कार्यालयों, शिक्षा संस्थानों को जयराम सरकार द्वारा डी नोटिफाई करने पर विपक्ष द्वारा मचाए जा रहे हो हल्ला को काउंटर करने के लिए भी योजना बनाई जाएगी। साथ ही इस बैठक में इस वित्तीय वर्ष में सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी पहलुओं पर मंथन भी किया जाएगा। चुनावी वर्ष शुरू होने से पहले हो रही इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस पर विपक्ष की भी काफी निगाहें टिकी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को दोपहर 3:00 हेलीकॉप्टर द्वारा पडल मैदान पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल व बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी व जिला प्रशासन द्वारा किया गया। सरकार बनी है प्रदेश में, मंडी जिला से मुख्यमंत्री है। हमने प्रदेश के संगठन के सामने आग्रह किया कि सरकार बनने के बाद पहली कार्यसमिति मंडी में की जाए हमारे शहर में, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी छोटी काशी में बात पार्टी का पूरा संपूर्ण नेतृत्व प्रदेश का यहां आ रहा है। कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं तैयारी की दृष्टि से नहीं आ पाया, लेकिन उसके बावजूद अब आपके बीच में हूं, 2 दिन आपके बीच में रहूंगा और आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन बहुत बेहतर ढंग से काम करे और विधानसभा के चुनाव में मंडी का बहुत बड़ा योगदान है, लोकसभा के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर जीते, इसके लिए योजना बनाई। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक छोटी काशी मंडी में का शुभारंभ हुआ है और आज ये बैठक 3 दिन चलेगी। आज प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और सभी प्रमुख प्रदेश का नेतृत्व इस बैठक में रहने वाला है और कल प्रदेश कार्यसमिति है। कल 2 दिन पूरे प्रदेश के जो हमारे कार्यसमिति के सामान्य सदस्य है 325 के लगभग, वो सारे सदस्य यहां पहुंचेंगे और ये बैठक हमारी आगे बढ़ेगी।